नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो मेरा नाम सोनिका रावत है, मैं उत्तरकाशी के छोटे से गांव भड़कोर से बिलोंग करती हूँ और फिलहाल मैं रुड़की से बीएससी एग्रीकल्चर फाइनल ईयर है मेरा इस बार। तो मैं आपको एग्रीकल्चर यानी कृषि से संबंधित कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सदाबहार का पौधा, सदाबहार का पौधा तो सभी को पता ही होगा कि सदाबहार का पौधा बुलाते हैं, ये तो सभी को पता ही होगा। तो उसके बारे में आपको डिटेल से बताना चाहूँगी, क्या है उसके बारे में, क्या नहीं है और उसके क्या उपयोग है, क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में आपसे डिटेल में चर्चा करना चाहूँगी। तो अगर आपको हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करना। कि सामान्यतः हमारे घरों में फूल तो आते पौधे पर हमें कोई जानकारी होती नहीं है, प्रॉपर जानकारी ना होने के कारण हमें उसके जो मेडिसिनल फ़ायदे होते हैं उनके बारे में हम वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए मेरे पास मतलब छत पे था लगा एक मैंने लगाया था और उसके बीज झड़े और बहुत सारे हो रखे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दो तरह के हैं हमारे पास, एक तो वाइट कलर का और एक है पिंक कलर का है। तो आपको बताऊंगी मैं उसके बारे में, पौधे भी दिखाऊंगी। मैंने रूम में ला रखे हैं क्योंकि ऊपर छत में वो आवाज़ आ रही है गाड़ियों की, इधर उधर से तो हवा भी चल रही है तो मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आएगी, मेरे पास माइक भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं अंदर ही ले आऊं और मेरी आवाज़ भी क्लियर आ जाएगी आप तक। तो चलिए फिर, तो ये है ये दोनों प्लांट्स और इन पर देख सकते हैं आप इस तरीके से फूला रखे हैं। ये वाइट कलर का है और ये आप देख सकते हो ये पिंक कलर का है। ये मेरे पास एक डब्बा पड़ा था तो मैंने उसे काटा और इस पर लगा दिया और इस पर ऐसे फूल आ गए। तो अभी मैंने आपको दो प्लांट्स दिखाए, एक तो वाइट वाला और एक है पिंक कलर का। तो एक जो सफ़ेद है, एक है गुलाबी। तो इसके भी अलग अलग इसमें लाइट्स पाए जाते हैं, चारों पाए जाते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ मैं, इसका जो कॉमन नेम तो सदाबहार ही है और बॉटनिकल नेम इसका कैंथ्रेंथस रोजियस है और ये एपोसाइनेसी कुल से संबंधित है। और अगर आप इसे लगाना चाहो तो बहुत ही अच्छा पौधा है, इसे ना तो ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है, इसे मतलब पानी भी थोड़ा कम ही डालो। तो गर्मियों में तो प्रॉपर पानी डालना चाहिए पर सर्दियों में अगर ना भी डालो तो चलेगा, मतलब ज़िंदा रहता है पौधा। ये नहीं कि एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस पौधे को और अच्छी प्रकार से फूल खिलते हैं और जो बहुत ही फ़ायदेमंद। कर्नाटक में इसका व्यावसायिक तौर पे इसका उत्पादन किया जाता है और इसकी जो पत्तियों में VLV एल्कलाइड्स यानी कि क्षारोत पाए जाते हैं जिसमें एंटी न्यूप्लास्टिक गुणों के कारण इसका उपचार कैंसर में किया जाता है, ब्लड कैंसर में किया जाता है। इसकी जड़ों में राउबसिन और रेपरटिन पाए जाते हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आपको मैंने दिखाया ही, एक तो सफ़ेद फूल वाली और एक गुलाबी फूल वाली प्रजाति है, इनकी दो प्रजातियां। और इसमें जो सबसे अधिक क्षारोत पाए जाते हैं वो गुलाबी फूल वाली प्रजाति में पाए जाते हैं। इसके अलावा सदाबहार मूत्रवर्धक, दस्तरोधी आदि रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है और बच्चों के ल्यूकेमिया जैसे औषधि में इसका निर्माण किया जाता है। इस प्रकार से इसमें अनेक प्रकार के क्षारोत पाए जाते हैं, टैनिन, सेप्सिन, सेप। आई होप दोस्तों इस तरह से आप समझ गए होंगे कि सदाबहार के क्या क्या फ़ायदे हैं। और आज से पहले आज अगर आपको पता होता तो क्या आप इसका सदुपयोग करते या नहीं करते, ज़रूर कमेंट करके बताइए। बाय बाय, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, बाय बाय।